नमस्कार सर आज जो आप लोगों ने ये सिविक एक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है 186 एटी सिक्स बी एन सी आर पी एफ कैम्प में नामसाई में तो ये होल प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग को दीजिए और साथ ही साथ आ, ये जो ऑपरेशन है इसका लोकल्स को क्या बेनिफिट्स है इस, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी हम लोग को बताइए हम लोग जो सी आर पी एफ यहाँ पर है नाम जयपुर में नामसाई में जयपुर विलेज में और आ, ये जो एरिया है ये हमारे कैंप के सबसे नज़दीक का एरिया है सिविक एक्शन प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म है लोकल लोगों से जुड़ने का उनके साथ कनेक्ट करने का ये प्लेटफॉर्म है क्योंकि उनके उनके साथ में हमको हमारे पास में चूँकि हम सेंट्रल फोर्स हैं ज़्यादातर जो हमारे मेंबर्स हैं वो बाहर से आए हुए होते हैं और दूसरी जगह के होते हैं तो लोकल ट्रेडिशंस का लोकल लोगों का लोकल कल्चर का हमको बहुत ज़्यादा जो है वो इनईजीली आइडिया नहीं होता है तो एक तो हम उनको समझने की कोशिश करते हैं उनके पास में जो कमियाँ होती हैं ज़रूरतें होती हैं उनको हम पहचानते हैं और उसके बाद से विक एक्शन प्रोग्राम के अंदर हम उन कुछ कुछ पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करते हैं और उनके ऊपर हम एग्जीक्यूट करते हैं उनको सो दैट ये लोकल्स को बेनिफिट कर सके स्टेट गवर्नमेंट के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अपने प्रोग्राम्स होते हैं जिसके तहत वो फैसिलिटीज़ अरेंज करते हैं गांव वालों के लिए और लोकल एरियाज़ के लिए बट कई बार जो है वो हर जगह पे हर चीज़ वो पहुंचाने में कई बार समय लग जाता है तो हमारा जो ये प्रोग्राम होता है इससे ज़रूरत की कई चीज़ें ये आप एक देख रही हैं आज हमने यहाँ पर सोलर लाइट सिस्टम का को इंस्टॉल किया है फॉर लाइटिंग ऑफ रोड्स लेकिन इसके अलावा हम और भी इसी पैटर्न में अलग अलग चीज़ें जैसे कहीं पर जो है वो शेड का अरेंजमेंट करना कहीं पर हम मेडिसिन कैंप लगाते हैं हेल्थ कैंप लगाते हैं जिससे कि लोगों को जो है लोकल लोग होते हैं उनके हेल्थ को हम चेकअप करते हैं और उनको नेसरी मेडिसिन देते हैं कहीं पर हम वाटर टैंक और इस तरह के कहीं हम स्कूल्स को इक्विप करते हैं जैसे पिछले साल हमने इधर सामूगुरी मिडिल स्कूल को हमने इक्विप किया था वहाँ एक स्मार्ट लाइब्रेरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर एंड ऑल वी हैव सेटअप तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं और इससे बेसिकली बेनिफिशरीज लोकल लोग होते हैं और हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होता है कि हम लोगों के साथ जुड़ें उनको बताएं कि सी आर पी एफ इज़ एक्चुअली अवेलेबल फॉर देयर वेलफेयर वी थिंक फॉर देम वी वर्क फॉर देम एंड ऑल आवर एक्शंस हमारी सारी जो uh, जो हमारे सारे काम होते हैं दैट इज़ औरिएटेड टूवर्ड्स नो वेलफेयर ऑफ़ द लोकल पीपल तो इस लिहाज से हम यहाँ पे काम करते हैं और हमारा सारा मकसद यही होता है आज के प्रोग्राम में इन चीज़ों के बारे में हमने जो ये डेडिकेट किया है सोलर लाइट सिस्टम यहाँ के लोगों को उसके अलावा एक और मुद्दे पर हमने इन लोगों को बात की है थोड़ी यहाँ के जो उपस्थित लोग थे उनके साथ में कि यहाँ पर ड्रग का बहुत ज़्यादा ख़तरा है बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हो गए हैं और जैसा अभी यहाँ पे चेयरमैन साहब ने बताया है कि परसों ही दो दिन पहले यहाँ एक थर्टीन ईयर्स ओल्ड बॉय वो इज़ एक्चुअली वेरी टेंडर एज वेरी यंग नो थर्टीन ईयर्स इज़ नो एज और वो ड्रग के ओवर की वजह से उसकी डेथ हो गई देयर कैन नॉट बी एनी थिंग मोर ट्रैजिक दिन दिस और ये चीज़ें जब होती हैं तो इट्स द सोसाइटी इज द फैमिली इज द कम्यूनिटी दैट सफ़र्स तो ड्रग के मिनास को कैसे कंट्रोल करना है कैसे रोकना है और द वेज़ टू हैंडल दैट इसके बारे में भी हमने आज इनके साथ में बात किया है और हमने इनसे ये भी इनको अश्योर किया है कि अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन इनके इनको फेस करना पड़ता है तो वी आर अवेलेबल टू ज्वाइंटली डील विद द सिचुएशन और इसको कंट्रोल करने में हम अवेलेबल हैं हमेशा